हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल चैप हिमाचल। तो आज जो है वो हम एचपी टेट नॉन मेडिकल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करेंगे। जो टेट का पेपर जुलाई 2022 में हुआ था, उसमें जो भी केमिस्ट्री सेक्शन में क्वेश्चन आए थे, हम उनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये आपके सामने कंपाउंड दिया हुआ है CF2 डबल बॉन्ड CF2। वो पूछ रहा है कि ये किसका मोनोमर है। तो देखो ये कितना इजी सा क्वेश्चन है। अगर आपको डायरेक्ट उसका मोनोमर पता है तो डायरेक्ट आप इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। तो बताओ जो CF2 है वो किसका मोनोमर है, टेफ्लॉन का, ग्लिप्टल का, नायलिन 6 का या ब्यूना एस का। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपके पास क्या है, दैट इज ऑप्शन ए, इट इज टेफ्लॉन। ठीक है, क्योंकि नाइलन 6 जैसे कि आपको पता है एडिपिक एसिड और पैथैलिक एसिड से मिलता है, ग्लिप्टल के जो हैं वो अलग मोनोमर यूनिट्स हैं, ब्यूना एस के जो हैं वो अलग से मोनोमर यूनिट्स हैं। सो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है आपके पास, ऑप्शन ए, दैट इज टेफ्लॉन। यहाँ पे आप देखेंगे जो CF2 है, जिसे आप सॉरी जिसे आप टेट्राफ्लूरोइथीन कहते हैं, जब आप इसकी फ्री रेडिकल से क्या करते हो, पॉलीमराइजेशन करते हो, तो आपके पास क्या बनता है, टेफ्लॉन की आपके पास फॉर्मेशन होती है। टेफ्लॉन का यूज आप कहाँ देखने को मिलते हैं, जितने भी नॉन स्टिकी बर्तन है आप वहां पे टेफ्लॉन का यूज देख सकते हो। ठीक है, ऐसे ही क्या है, अगर मैं ग्लिप्टल की बात करूं तो ग्लिप्टल में क्या यूज होता है, इथाइलिन ग्लाइकोल एंड पैथैलिक एसिड की जब पॉलीमराइजेशन होती है तो आपके पास किस चीज की फॉर्मेशन होती है, ग्लिप्टल की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, और नायलॉन 6 में क्या था, नायलॉन 6 में था एडिपिक एसिड एंड पैथैलिक एसिड। क्लियर है? तो CF2 में क्या याद रखना है कि CF2 में कौन सा मोनोमर, CF2 जो है वो एज अ मोनोमर यूनिट कहाँ पे यूज किया जाता है, टेफ्लॉन में जो है वो यूज किया जाता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द विटामिन इज वॉटर सोल्यूबल। अब आपने सारे विटामिन के बारे में पढ़ा हुआ है, ए बी सी डी ई एंड के। उसमें से क्या है, दो आपके वॉटर सोल्यूबल है और चार क्या है आपके सोल्यूबल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे वो क्या पूछ रहा है, विच वन ऑफ द विटामिन इज वाटर सोल्यूबल, इसमें से कौन सा विटामिन है जो पानी में प्रॉपरली डिजोल्व हो जाता है। ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन सी एंड विटामिन डी। तो इसका राइट आंसर क्या है आपके पास, ऑप्शन सी, दैट इज विटामिन सी जो है वो आपका क्या है, पानी में सोल्यूबल है। सिर्फ दो ही पानी में सोल्यूबल है, बी एंड सी, बाकी सारे क्या है, ए डी ई एंड के जो है ये आपके क्या है, वॉटर में इनसॉल्यूबल, वॉटर इनसॉल्यूबल। ठीक है, और एक बात और याद रखनी है, यहां से कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि क्या हमारी बॉडी विटामिन्स को सिंथेसाइज करती है। नहीं, हमारी बॉडी विटामिन्स को सिंथेसाइज नहीं करती है, ये हमें जो है बाहर से ही एज अ न्यूट्रिएंट्स जो है वो लेने पड़ते हैं। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो विटामिन सी का साइंटिफिक नेम आपके पास क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड जो है इसे कहा जाता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी होती है। ठीक है, मसूड़ों से खून का आना, विटामिन सी जैसे कि सिट्रिक एसिड, खट्टे फ्रूट्स में क्या पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है। क्लियर है इतनी सी बात। विटामिन ई की कमी से इनफर्टिलिटी जैसी बीमारी होती है। विटामिन के से जो है, विटामिन के जो है वो ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है, और डी से जो है वो रिकेट्स की बीमारी होती है। ठीक है जी, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट। द ह्यूमन बॉडी डज नॉट प्रोड्यूस, इसमें से ह्यूमन बॉडी क्या प्रोड्यूस नहीं करती है, डीएनए, एंजाइम, विटामिन या हॉर्मोन्स। चलो अब डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। अब डीएनए तो बॉडी में प्रेजेंट है, एंजाइम्स भी बॉडी में होते हैं, क्योंकि वहां पे क्या होता है, जैसे मान लो आपने रेनिन है उसकी आपने सिंथेसिस करनी है, तो वहां पे आपको एंजाइम्स की जरूरत पड़ेगी। ग्लूकोज को ग्लैक्टोज में कन्वर्ट करना है तब एंजाइम्स की जरूरत पड़ेगी। पेट में क्या होता है, बहुत सारे एंजाइम्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। अब बच्चे विटामिन और हॉर्मोन्स, हॉर्मोन्स की अगर मैं बात करूँ तो वो भी बॉडी में होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है आपके पास, ऑप्शन सी, जैसे कि मैंने पहले अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको कि ह्यूमन बॉडी जो है वो विटामिन को प्रोड्यूस नहीं
नहीं करती है, वो हमें एज अ न्यूट्रिएंट्स बाहर से जो है वो लेने पड़ते हैं। हॉर्मोन्स की अगर मैं बात करूँ तो वो बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि आपका एड्रेनल ग्लैंड है तो वो एड्रेनलाइन हॉर्मोन जो है वो सिक्रिएट करता है, जिसे आप फ्लाइट और फाइट हॉर्मोन कहते हो। थायराइड ग्लैंड जो है वो थायरोक्सिन को जो है वो रिलीज करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो अलग से हॉर्मोन निकालता है। ठीक है, तो हॉर्मोन्स भी क्या है, बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं, एंजाइम्स भी बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं, और डीएनए तो हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और विटामिन क्या है जिसे आप बाहर से जो है एज अ सोर्स जो है वो लेते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो वो पूछ रहा है द ओनली रेडियो एक्टिव एलिमेंट बिलोंग्स टू लेंथेनाइट सीरीज। अब ये तो सबको पता है कि लेंथेनॉइड सीरीज जो है वो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में आती है, उसमें टू सीरीज होती है, लेंथेनॉइड सीरीज एंड एक्टिनॉइड सीरीज, जिन्हें आप इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स या रेयर अर्थ एलिमेंट्स के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जो लेंथेनॉइड सीरीज है उसमें आपका रेडियोएक्टिव सब्सटेंस कौन सा है। ऑप्शन है गिडोलनियम, होलमियम, प्रोमीथियम या न्यूडीबियम। तो इसका राइट आंसर आपके पास क्या है, ऑप्शन सी, दैट इज प्रोमीथियम। ये लेंथेनॉइड सीरीज में एकमात्र ऐसा एलिमेंट है, ऐसा तत्व है जो कैसा पाया जाता है, रेडियोएक्टिव फॉर्म में पाया जाता है। रेडियोएक्टिव का मतलब क्या है, जब आप डिसइंटीग्रेशन करते हो न्यूक्लियस की, क्या करते हो, डिसइंटीग्रेशन, तो वहां से जो है वो बहुत थ्री टाइप्स की रेज निकलती हैं। वो रेज कौन सी होती हैं, अल्फा रेज, बीटा रेज एंड गामा रेज। ठीक है, जिसमें गामा रेज क्या होती हैं, आपकी ज्यादा डेंजरस होती हैं, इनकी पेंट्रिएटिंग पावर जो है वो सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। क्लियर है, समझ में आ गई इतनी सी बात। चलिए नेक्स्ट करते हैं। टू इंक्रीज द पीएच ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन वी शुड एड। अब वो कह रहा है कि एक आपके पास न्यूट्रल सॉल्यूशन है और आपने उसकी पीएच को क्या करना है, ज्यादा करना है, तो आप उसमें क्या ऐड करोगे, एसिड सॉल्यूशन को या फिर एसिड सॉल्ट्स को या अल्कली सॉल्यूशन को या फिर बफर सॉल्यूशन को। अगर मैं बात करूं न्यूट्रल सॉल्यूशन की तो न्यूट्रल सॉल्यूशन पे आपकी पीएच कितनी होती है, 7 होती है। ठीक है, 0 to 7 तक आपके क्या होते हैं, एसिड्स होते हैं, एंड 7 to 14 आपके क्या होते हैं, बेस होते हैं। ठीक है, अब उसने कहा है कि आपके पास जो सॉल्यूशन है वो क्या है, न्यूट्रल है, आपने उसमें क्या क्या ऐड करोगे कि जिससे आपकी पीएच जो है वो 7 से ज्यादा हो जाए, तो ऑब्वियसली बात है आप बेस ही ऐड करोगे। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी, दैट इज अल्कली, क्योंकि अल्कली क्या होते हैं, बेसिक सॉल्यूशंस होते हैं। दैट इज व्हाई टू इंक्रीज द पीएच ऑफ एनी न्यूट्रल सॉल्यूशन आप उसमें क्या ऐड करोगे, बेस ऐड करोगे, और अगर बोला होता है कि उसके पीएच को कम करना है तो आप क्या ऐड करते, एसिड ऐड करते। क्लियर है, अगर मैं बात करूं स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड की तो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन सा है आपका, HCl, हैविंग द पीएच इज इक्वल्स टू 0। अगर मैं बेस की बात करूं कि स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कौन सा है, तो NaOH इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, हैविंग द पीएच इज इक्वल्स टू 40। क्लियर, नेक्स्ट ये देख लीजिए, वी शुड यूज एन अल्कली टू रेज द पीएच ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन। द पीएच ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन कितनी होती है, 7 होती है, बेसिक की कितनी होती है, 7 से ज्यादा होती है। तो अगर आपने न्यूट्रल सॉल्यूशन की पीएच को ज्यादा करना है तो आप क्या ऐड करोगे, उसमें अल्कली को ऐड करोगे, और अगर आपने उसकी पीएच को कम करना है तो आप क्या ऐड करोगे, एसिड ऐड करोगे। क्लियर, नेक्स्ट, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन OF2। चलिए बताइए कि OF2 में किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट पूछी हुई है, इन्होंने ऑक्सीजन की पूछी हुई है। तो हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को मान लिया x, एक f के ऊपर होता है -1 चार्ज, तो दोनों के ऊपर कितना हो जाएगा, -2 which is equals to 0, and x is equals to कितना हो जाएगा आपके पास, +2। तो आपके पास कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है ऑक्सीजन की, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है। तो राइट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बी। और वैसे भी जब दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स एक साथ होते हैं तो अगर जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसकी जो आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो हमेशा नेगेटिव में होगी, और जो उससे कम वाला इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा पॉजिटिव में आती है। दैट इज वाई OF2 में, क्योंकि आपको पता है ऑक्सीजन कभी भी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन शो नहीं करता है, वो हमेशा आपको डायवेलेंट मॉलिक्यूल एज अ -2 ही देखने को मिलेगा, लेकिन OF2 में ये एक एक्सेप्शन, और इसीलिए ये पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है क्योंकि बहुत से बच्चे यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऑक्सीजन की +2 तो हो ही नहीं सकती है, बट ऐसा नहीं है। जब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट दोनों एक साथ आएंगे तो हायर वाले की नेगेटिव में होगी और जो उससे लोअर है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव में आएगी। दैट इज व्हाई यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ
ऑक्सीजन कितनी है? प्लस टू है, क्लियर। नेक्स्ट, व्हाट इज कैल्शियम सल्फेट? कैल्शियम सल्फेट की मैं बात करूं देन व्हाट इज द फॉर्मूला? CaSO4। अब ऑप्शन में दिया हुआ है एप्सम सॉल्ट, ब्लू विट्रॉल, जिप्सम सॉल्ट या पोटेशियम। तो एप्सम सॉल्ट तो सबको पता है क्या होता है, MgSO4 विद 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर को आप क्या कहते हो? एप्सम सॉल्ट कहते हो। ब्लू विट्रॉल को आप क्या कहते हो? क्योंकि वो ब्लू इन कलर, देन कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O को आप क्या कहते हो? ब्लू विट्रॉल कहते हो, ठीक है। जिप्सम पोटाशियम किसका होता है? K2 का होता है, जिसमें Al2SO4 थ्राइस जो है वो आपको शायद देखने को मिलता है, ठीक है। और जिप्सम सॉल्ट आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा? कैल्शियम सल्फेट में, क्योंकि जिप्सम सॉल्ट का फॉर्मूला क्या होता है? CaSO4.2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। और अगर आप इसमें से एक मॉलिक्यूल कम कर देते हो और अगर आपके पास फॉर्मूला होता है CaSO4.5H2O, देन इट इज वॉट? प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। और अगर आपके पास सिंपल कैल्शियम सल्फेट है तो आप इसे क्या कहते हो? डेड बर्न प्लास्टर कहते हो। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, व्हाट इज कैल्शियम सल्फेट? तो अगर यहाँ पे ऑप्शन में देखूंगी तो उसके अकॉर्डिंग कहाँ पे कैल्शियम सल्फेट देखने को मिल रहा है? जिप्सम सॉल्ट पे। दैट इज वाई करेक्ट करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज जिप्सम सॉल्ट, ठीक। नेक्स्ट, द मेटल दैट इज यूज एज अ कैटलिस्ट इन द हाइड्रोजिनेशन ऑफ ऑयल। दिस इज वेरी वेरी नाइस क्वेश्चन, और ये पता नहीं कितने ज्यादा पेपर्स में आ चुका हुआ है। तो बताओ इसमें क्या यूज होगा? लेड, कॉपर, निकल या प्लैटिनम? तो देखो, लेड तो यूज नहीं हो सकता, पहली सी बात है, सिंपल सी बात है, लेड इज पॉइजनस इन नेचर, तो ये तो यूज नहीं होगा। प्लैटिनम इज ऑल्सो अ नोबल मेटल, तो ये भी यूज नहीं होगा। अब बचे कॉपर और निकल, तो कॉपर को कहाँ ही यूज करोगे ऑयल्स के हाइड्रोजिनेशन में, तो ये भी नहीं होगा। इसका करेक्ट आंसर क्या है? निकल। और एक बात हमेशा याद रखनी है, जब भी आपको हाइड्रोजन और निकल कहीं भी देखने को मिलेंगे तो वहां पे हमेशा क्या होता है? अनसेचुरेशन से, अनसेचुरेशन को किसमें कन्वर्ट किया जाता है? सेचुरेशन में कन्वर्ट किया जाता है। अनसेचुरेशन का मतलब है डबल बॉन्ड, अब उसको किसमें कन्वर्ट किया जाता है? सिंगल बॉन्ड में। मतलब ये काम किसका है? हाइड्रोजन और हाइड्रोजन और निकल का, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन बी। अब मैं अगर बात करूं ऐसे किसी और क्वेश्चन की, मान लो कभी कभी ना आपको ऐसे बेंजीन रिंग दी होती है और उसके ऊपर ना हाइड्रोजन लिखा होता है, हाइड्रोजन या निकल लिखा होता है, और पूछा होता है कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो सिंपल सी बात है, अगर यहाँ पे 3 हाइड्रोजन मैं लगा दूंगी तो सारे के सारे डबल बॉन्ड्स क्या होंगे? वहां से खत्म हो जाएंगे, वो सिंपल जो है वो सैचुरेशन में चला जाएगा। तो याद रखना है कि जब भी कभी आप सैचुरेशन कर रहे हो, अनसैचुरेशन से सैचुरेशन में जा रहे हो, तो कौन से दो टाइप के कैटलिस्ट यूज किए जाते हैं? हाइड्रोजन और निकल जो है वो मोस्टली यूज किए जाते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजिनेशन ऑफ ऑयल्स पूछा गया है, तो यहाँ पे जो कैटलिस्ट, फेमस कैटलिस्ट जो हम यूज करते हैं वो कौन सा है? निकल। और ये क्वेश्चन कहाँ से लिया गया? जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइड्रोजिनेशन करते हो, वहां की फर्स्ट लाइन जो है वो यही आती है कि निकल कैटलिस्ट जो है वो एज अ हाइड्रोजिनेशन ऑफ ऑयल्स एंड वनस्पति घी जो है वो यूज किया जाता है। तो देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन था ये, ठीक। नेक्स्ट, व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विच कंटेन 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन? तो वो कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड के तिलों की संख्या क्या है जिसमें 16 ग्राम ऑक्सीजन है? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? ऑप्शन ए, दैट इज 0.5 मोल, ठीक है जी। अब इसका सॉल्यूशन देख लो, एक कार्बन कार्बन का मास कितना है? 12 ग्राम है, ठीक है। तो मास ऑफ दो ऑक्सीजन एटम्स का कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। 16 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। गिवन मास कितना दिया हुआ है हमें? 16। तो जब भी हम नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं? गिवन मास डिवाइडेड बाय इट्स एक्चुअल मास, ठीक है। तो कितना आ जाएगा वो? 16 डिवाइडेड बाय 32, दैट इज 0.5 ग्राम। इजी था, सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला लगाना था, और वो फॉर्मूला क्या था? गिवन मास डिवाइडेड बाय इट्स टोटल मॉलिक्यूलर मास। तो एक कार्बन का कितना है? 12 है। दो ऑक्सीजन का कितना है? 32 है। तो अकॉर्डिंग टू दैट उन्होंने सिर्फ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का पूछा हुआ था, इसलिए वहां पे क्या आ गया? 16 डिवाइडेड बाय 32 आ गया, ठीक। नेक्स्ट, व्हाट इज एक्स इन द फॉलोइंग? वो कह रहा है कि जब आप बेंजीन रिंग की रिएक्शन जो है वो क्लोरीन, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरीन के साथ करवा रहे हो, यहाँ पे जो है वो एच म्यू भी था, ठीक है। एच म्यू मतलब सनलाइट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रही है, तो आपके पास किस चीज की जो है वो फॉर्मेशन होगी?
तो देखो क्लोरोबेंजीन बनेगा या फिर बीएचसी बनेगा या फिर साइक्लोबेंजीन बनेगा या फिर डाइक्लोरोबेंजीन बनेगा। तो इसका आपके पास राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी दैट इज बीएचसी। ये देख लीजिए ये बेंजीन रिंग है, जैसे कि उन्होंने पीछे क्वेश्चन में बोला हुआ था कि बेंजीन रिंग की रिएक्शन किसमें किसके साथ करवा रहे हो, थ्री मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरीन के साथ करवा रहे हो। यूवी रेडिएशन लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा, सारे का सारे बॉन्ड्स जो है वो खत्म हो जाएंगे और क्लोरीन जो है वो यहाँ पे आके अटैच हो जाएंगे। इट इज नॉन एज बीएचसी। बीएचसी क्या होता है आपका, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म भी याद रखनी है, कभी कभी जो है ये फुल फॉर्म ही डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि बीएचसी की फुल फॉर्म क्या होती है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड होती है। कब बनता है ये, जब आप बेंजीन की रिएक्शन क्लोरीन के साथ करवाते हो इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट और यूवी रेडिएशन। क्लियर है, इजी था, कोई भी पर्टिकुलर मैकेनिज्म नहीं था, एक डायरेक्ट जो है वो रिएक्शन पूछी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट, हाउ मेनी एच पॉजिटिव विल बी गिवन बाय H3PO2 इन वॉटर। इन शॉर्ट वो आपसे क्या पूछ रहा है कि जो आपका कंपाउंड है, ये मॉलिक्यूल दिया गया है H3PO2, इसमें आपकी बेसिसिटी कितनी है, और बेसिसिटी का मतलब क्या है कि किसी भी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स में कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स हैं जिनको आप रिप्लेस कर सकते हो या जिनको आप रिप्लेस नहीं कर सकते हो। ठीक है, वो क्या होती है, आपकी बेसिसिटी होती है। तो इसका आंसर क्या है आपके पास, ऑप्शन डी दैट इज 1। ठीक है, ये देख लीजिए, ये है आपके पास H3PO2। ठीक है, यही क्वेश्चन में पूछा गया था। तो यहाँ पे जो है एक O के साथ जो है वो H लगा हुआ है, दो H क्या है आपके, फ्री है। तो वो कह रहा है बेसिसिटी ऑफ एन एसिड इज द नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन इन द एसिड, मतलब कितने हाइड्रोजन जो है वो रिप्लेस किए जा सकते हैं, उसको आप क्या कहते हो, बेसिसिटी कहते हो। ठीक है, तो अ फॉस्फोरस ऑक्सो एसिड इज मेड अप ऑफ अ सिंगल पेंटावेलेंट फॉस्फोरस। ठीक, यहाँ पे इसका फॉर्मूला दिया गया है H3PO2, तो यहाँ पे वो कितने हैं जो रिप्लेस किए जा सकते हैं, सिर्फ वन है जो ऑक्सीजन के साथ लगा हुआ है, इसलिए इसकी बेसिसिटी क्या है, वन है, दैट इज व्हाई दिस इज नॉन एज मोनोबेसिक एसिड। ठीक है, ये कैसा होता है, कलरलेस होता है, लो मेल्टिंग सब्सटेंस है, दैट इज सोल्यूबल इन एल्कोहल वाटर एंड डाई ऑक्सेन। क्लियर है, समझ में आ गई इतनी सी बात, इजी सा था, कुछ ज्यादा नहीं था। तो बेसिसिटी कैसे याद रखनी है, बेसिसिटी का मतलब क्या है, किसी भी एसिड की बेसिसिटी का मतलब है कि उसमें कितने नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन्स लगे हुए हैं, जिन हाइड्रोजन्स को आप रिप्लेस कर सकते हो। तो हमने ऑक्सीजन वाले हाइड्रोजन्स जो है वो देखने होते हैं कि ऑक्सीजन के साथ कितने हाइड्रोजन्स लगे हुए हैं, तो यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ सिर्फ एक ही हाइड्रोजन है, दैट इज वाई इसका आंसर क्या था, वन था, कि उसमें वन ही जो है उसकी बेसिसिटी है, दैट इज वाई इट इज नॉन एज द मोनोबेसिक एसिड। कैसा है, कलरलेस है, लो मेल्टिंग सब्सटेंस है, ठीक है, दैट इज सॉल्यूबल इन एल्कोहल वाटर एंड डाई ऑक्सेन। क्लियर, नेक्स्ट करते चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंसुलेटर। इनमें से वो कौन सा कंपाउंड है जो इंसुलेटर है, मतलब जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है, इसमें क्या होगा, उसके पास फुली पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कोई भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, जिसकी वजह से मूवमेंट ही नहीं होगी, तो कंडक्शन भी वहां पे नहीं होगी। ऑप्शंस क्या है आपके पास, ग्रेफाइट है, डायमंड है, एल्यूमिनियम है, सिलिकॉन है। सो एज यू ऑल नो दैट ग्रेफाइट जो है वो एक नॉन मेटल है, बट अपार्ट फ्रॉम दिस इट इज द बेस्ट कंडक्टर। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेते हैं कि नेम दैट नॉन मेटल विच इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, दैट इज ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग आंसर नहीं होगा। ठीक, एल्यूमिनियम की बात करें तो ये भी नहीं होगा। सिलिकॉन एज अ सेमी कंडक्टर जो है वो यूज किया जाता है। तो बचा क्या आपका, डायमंड। तो करेक्ट आंसर क्या है, डायमंड है, क्योंकि हमारे एलोट्रॉप्स में जो कार्बन का एलोट्रॉप तीन टाइप के होते हैं, ग्रेफाइट, डायमंड एंड फ्लोरीन, उसमें जो आपका डायमंड है वो क्या होता है, इंसुलेटर होता है, क्योंकि इसमें कार्बन का हर चार एटम जो है दूसरे कार्बन के हर चार एटम के साथ प्रॉपरली बॉन्ड बनाते हैं, कोई भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता है, जिसकी वजह से मूवमेंट नहीं हो रही है, और ये क्या होता है, इंसुलेटर इन नेचर होता है। और जो क्वेश्चन यहाँ से बनता है वो ये पूछ लेते हैं कि डायमंड जो है वो क्या है, हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑन द अर्थ है। ठीक है, डायमंड किसकी वजह से चमकता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से और हायर रिफ्रेक्टिव इंडेक्स की वजह से ये क्या करता है, चमकता है। और यहाँ से क्वेश्चन क्या आता है, जो मैंने आपको बता दिया कि एक ऐसा नॉन मेटल है जो नॉन मेटल होने के बावजूद भी मेटालिक क्लस्टर को शो करता है एंड ऑल्सो हैव द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्शन। ठीक, नेक्स्ट, वी कैन सेपरेट द मिक्सचर ऑफ NaCl एंड NH4Cl बाय द मेथड ऑफ।
वो कह रहा है कि अगर आप नमक और अमोनियम क्लोराइड के सॉल्यूशन को मिक्स कर देते हो तो आप किस मेथड का यूज करोगे, सब्लिमेशन का, डिस्टिलेशन का, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का या क्रिस्टलाइजेशन का। अगर मैं क्रिस्टलाइजेशन की बात करूं तो क्रिस्टलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि आपने एक सॉल्यूशन पूरा प्रिपेयर कर दिया है, उसमें क्रिस्टल्स बनना स्टार्ट हो गया, लेकिन उनकी प्रोसेस क्या है, धीरे, और हमें क्या चाहिए, बहुत सारे क्रिस्टल्स चाहिए। तो हम क्या करते हैं, क्रिस्टल को उसमें बांध देते हैं ऊपर से, और थोड़े टाइम के बाद आप देखोगे तो उसमें बहुत सारे क्रिस्टल्स बनना जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं। हमने अपने +1 +2 क्लासेस में ऐसे प्रैक्टिकल्स बहुत ज्यादा किए होते हैं, ठीक है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की बात करूँ तो ये तब की जाती है जब आपके टू लिक्विड्स प्रॉपरली आपस में मिक्स हैं और उनके बॉइलिंग पॉइंट में बहुत कम डिफरेंस है, तब हम जो है वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज करते हैं। डिस्टिलेशन का मतलब है कि जब दो लिक्विड्स आपस में डिजोल्व तो हैं लेकिन उनके बॉइलिंग पॉइंट में ज्यादा डिफरेंस है, तो हम आराम से जो है उनको वन बाई वन क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। और सब्लिमेशन का मतलब यहाँ पे क्या है, व्हेन यू चेंज सॉलिड डायरेक्टली टू द गैस विदाउट गोइंग टू द लिक्विड स्टेट, देन इट इज नॉन एज द सब्लिमेशन। और इसके उल्टे वाली प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डी सब्लिमेशन। और सब्लिमेशन का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आपके पास क्या है, घरों में फिनाइल की गोलियां यूज की है ना सभी ने, तो नेप्थिलीन जो है वो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, क्योंकि जब आप घरों में नेप्थिलीन की बॉल्स का यूज करते हो तो वो क्या होती है, सॉलिड फॉर्म में होती है, थोड़े टाइम के बाद आप वहां पे लिक्विड तो नहीं बनता ना, वो गैस बन के उड़ चुकी होती है, तो वो वहां पे क्या हो रही होती है, सब्लिमेशन हो रही होती है। फिर आप ड्राई आइस में देखते हो, ड्राई आइस आपकी क्या होती है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, वहां पे भी आपका क्या सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होती है, वहां पे भी आपको क्या देखने को मिलती है, सब्लिमेशन देखने को मिलती है। और अगर मैं इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स की बात करूं, केमिस्ट्री की फॉर्म में बात करूं, तो अमोनियम, अमोनियम क्लोराइड का सॉल्यूशन जो है वो सबसे बेस्ट जो है वो सब्लिमेशन को शो करता है। सो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, सब्लिमेशन, ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कि अगर आपने नमक और अमोनियम क्लोराइड के सॉल्यूशन को अलग अलग करना है तो आप किस मेथड का यूज करोगे, सब्लिमेशन का। क्यों, क्योंकि NH4Cl जो है वो बहुत अच्छी सब्लिमेशन शो करता है, वो एकदम से सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाता है, तो इससे क्या होगा, NaCl हमें पीछे रह जाएगा और हमें वो वहां से मिल जाएगा, ठीक है। तो याद रखना है, अमोनियम क्लोराइड इज द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर द सब्लिमेशन, नेप्थिलीन बॉल्स इज ऑल्सो द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर सब्लिमेशन, एंड ड्राई आइस से भी क्वेश्चन आ चुका हुआ है पेपर में, तो ये भी, इसमें भी कौन सी प्रोसेस होती है, सब्लिमेशन होती है, ठीक। नेक्स्ट, द एंजाइम दैट कन्वर्ट्स ग्लूकोज टू इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड, वो पूछ रहा है कि वो कौन सा एंजाइम है जो ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देता है इथेनॉल में और कार्बन डाइऑक्साइड में। आपके पास ऑप्शन है जाइमेज, लैक्टेज, इन्वर्टेज या सुक्रेज, तो जिस, ये ना डायरेक्ट क्वेश्चन है, अब जिसको इसका नॉलेज होगा वो कर पाएगा, इसमें कोई तुक्का नहीं मार सकते आप, क्योंकि ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। तो इसमें इसका आंसर क्या है, ऑप्शन ए, याद रखना है, जाइमेज जो है वो ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में। ये देखो अगर मैं बात करूं नॉर्मल, ये क्या है आपके पास, C12H22O11, इसे आप क्या कहते हो, शुगर, जिसे आप सुक्रोज भी कहते हो, ठीक है। अगर आप इसमें इन्वर्टेज का यूज करते हो तो आपके पास क्या बनता है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। अब देखो ग्लूकोज और फ्रक्टोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सेम है, बट कई बार ऐसा हुआ है कि वाइवा में ये क्वेश्चन पूछा जाता था कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम ही है, बट इनमें डिफरेंस क्या है, तो ग्लूकोज जो है वो आपका एल्डिहाइड फैमिली से बिलोंग करता है और फ्रक्टोज जो है वो आपका किटोनिक ग्रुप से बिलोंग करता है, और इनके स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, ठीक है, समझ में आ गई बात। अगर मैं आगे बात करूं ग्लूकोज की, जो फ्रक्टोज फॉर्म में है इस टाइम, तो अगर अभी जैसे क्वेश्चन पीछे क्या था कि कौन सा ग्लूकोज में कौन सा आप एंजाइम यूज करोगे जो इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड देगा, तो वो कौन सा है, आपका जाइमेज है, ठीक है। ऐसे ही जब आपने माल्टोज को कन्वर्ट करना है तो आप वहां पे एंजाइम यूज करोगे माल्टेज, लैक्टोज में यूज करोगे लैक्टेज और सुक्रोज में यूज करोगे सुक्रेज। और कभी कभी क्वेश्चन क्या आ जाता है, बिकॉज दिस स्लाइड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से बहुत क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, कभी कभी वो डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि जब आप माल्टोज में माल्टेज एंजाइम डालते हो तो ग्लूकोज के साथ किसकी फॉर्मेशन होती है, ग्लैक्टोज की होती है, ग्लूकोज की, हाँ ग्लैक्टोज की होती है, यहाँ पे भी ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज और यहाँ पे ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज जो है वो आपको देखने को मिलता है,
ठीक है जी, समझ में आ गई बात। याद क्या रखना है अभी के लिए कि जब भी आपने ग्लूकोज को इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करना है तो आप किस चीज का यूज करोगे? जाइमेज का यूज करोगे किसमें? ईस्ट में। और शुगर को कन्वर्ट करना है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में तो किसका यूज करोगे? इन्वर्टेज एंजाइम का यूज करोगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड अमंग दीज, तो बताओ इसमें से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन सा है? अगर मैं फर्स्ट की बात करूं CH3COH, तो बताओ इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा, कितने कार्बन है? दो कार्बन है, इथ COH ग्रुप लगा हुआ है ओइक, तो इसका नाम क्या होगा? इथेनोइक एसिड, जिसे आप और किस नाम से जानते हो? एसिटिक एसिड के नाम से भी आप इसे जानते हो। यूज कहाँ पे होता है ये? विनेगर में इसका सबसे ज्यादा यूज जो है वो देखने को मिलता है। HCOH क्या है आपका? मीथेनोइक एसिड, क्योंकि एक ही कार्बन है आपकी, तो ये क्या है? मीथेनोइक एसिड है आपका। अगर मैं आगे बात करूं तो इसमें तीन है, तो ये क्या बन जाएगा आपका? प्रोपेनोइक एसिड बन जाएगा। ठीक, उसके आगे कितनी कार्बन है? 1 2 3 4, तो ये क्या बन जाएगा आपका? ब्यूटेनोइक एसिड बन जाएगा। ठीक, तो वो पूछ क्या रहा है कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड यहाँ पे कौन सा है, तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, बिकॉज जब जब CH3 ग्रुप आते हैं तो एसिडिटी क्या होती है? कम हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ HCOH ही है जहाँ पे ज्यादा अल्काइल ग्रुप्स प्रेजेंट नहीं है, तो ये क्या है आपका? स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड जो है वो गिना जाएगा। तो ये चीज ऐसे ही याद रख लेनी है एक ट्रिक से कि CH3 ग्रुप नहीं होना चाहिए, तो वो चीज क्या होती है? बहुत ज्यादा एसिडिक इन नेचर होती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ ट्रीटमेंट इज बेनिफिशियल फॉर बी स्टिंग? जब आपको कोई मधुमक्खी काट लेती है तो उसकी ट्रीटमेंट के लिए आपको क्या चीज जो है वो यूज करनी चाहिए? ठीक, तो बताओ, बेकिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड या अदर्स? अब देखो, जब भी मधुमक्खी जो है वो काटेगी तो बॉडी में क्या प्रोड्यूस होगा? एसिड प्रोड्यूस होगा। ठीक है, बी स्टिंग से क्या होगा? एसिड प्रोड्यूस होगा, तो ऑब्वियसली बात है कि उसको न्यूट्रलाइज करना है, तो अब तब हम उसे किस चीज का यूज करेंगे? बेस का यूज करेंगे। तो यहाँ पे सोडियम क्लोराइड क्या है? सॉल्ट है, तो उसका यूज तो नहीं कर सकते। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट उसका यूज भी नहीं कर सकते, तो बचा क्या आपके पास? बेकिंग सोडा या अदर्स, तो हम यूज करते हैं बेकिंग सोडा का, बिकॉज दैट इज अ वेरी गुड बेस और उसको हम यूज करते हैं फॉर द न्यूट्रलाइजेशन। तो जब भी मधुमक्खी काट लेती है तो उसके ऊपर क्या अप्लाई करना चाहिए? आपको कोई बेस अप्लाई करना चाहिए, और सबसे बेस्ट बेस क्या है आपके पास? बेकिंग सोडा। क्लियर है? इजी था क्वेश्चन, 6th क्लास की एनसीईआरटी से जो है ये उठाया गया क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वो पूछ रहा है, इन द मेटलर्जी ऑफ आयरन फ्रॉम हेमेटाइट लाइमस्टोन इज एडेड टू एक्ट एज। मेटलर्जी का मतलब है कि जब आप आयरन निकाल रहे हो किसी भी खान से, यहाँ पे कौन सी खान बोली हुई है उन्होंने? हेमेटाइट बोली हुई है, क्योंकि आयरन के टू ओर्स होती हैं। कौन कौन सी? हेमेटाइट, और दूसरी कौन सी होती है? मैग्नेटाइट। और ये पेपर में ना क्वेश्चन आते हैं, तो ओर्स और अलॉयज के बारे में पता होना जरूरी है। तो वो कह रहा है कि जब भी हम हेमेटाइट से आयरन की एक्सट्रैक्शन करते हैं, उसे निकालते हैं, तो वहां पे लाइमस्टोन, लाइमस्टोन क्या होता है आपका? CaCO3 हो गया, या कैल्शियम का बना हुआ कोई भी ऑक्साइड जो है, CaO हो गया, वो हम कैसे यूज करते हैं? एज अ फ्लक्स, एज अ स्लैग, एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, या एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? तो इसका राइट आंसर क्या है आपके पास? ऑप्शन ए, दैट इज एज अ फ्लक्स जो है वो उसका यूज किया जाता है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, आपके पास डायरेक्ट रिएक्शन उन्होंने दी हुई थी कि आपके पास कोई आर ग्रुप है, उसके Cl के साथ रिएक्शन हो रही है। अब R में CH3 C2H5 कुछ भी हो सकता है, सोडियम के साथ रिएक्शन हो रही है, और ये रिएक्शन जो है ना वो ड्राई ईथर की प्रेजेंस में थी। किसकी प्रेजेंस में थी? ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। तो होता क्या है, R ग्रुप अलग हो जाते हैं, सोडियम क्लोराइड एज अ सॉल्ट अलग निकल जाता है। तो बताओ वो कौन सी रिएक्शन है? वुड्स रिएक्शन है, फिटिंग रिएक्शन है, फिंकलस्टीन रिएक्शन है, या फ्रैंकलैंड रिएक्शन है? तो ड्राई ईथर की प्रेजेंस में एक ही रिएक्शन होती है, यहाँ पे फेमस वाली रिएक्शन यही है, वुड्स रिएक्शन। ठीक है, ये वाली रिएक्शन ना तो आपको याद होनी चाहिए, हो जानी चाहिए, क्योंकि टेट के पेपर में ना सिंपल रिएक्शंस पूछी जाती हैं और हम लोग वही पढ़ के नहीं जाते हैं, तो वहां पे कोई हाई लेवल वाला मैकेनिज्म तो नहीं पूछ रहा है, कोई सिंपल नेमिंग रिएक्शंस पूछी जा रही हैं। तो याद रखना है कि ड्राई ईथर की प्रेजेंस में जो ये अल्काइल से रिलेटेड रिएक्शन है, ये किसमें आती है? आपकी वुड्स रिएक्शन में जो है वो देखने को मिलती है। अब जैसे ये देख लीजिए, ये है वुड्स रिएक्शन, जिसमें क्या होता है, कोई भी अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन आप किससे करवाते हो? सोडियम मेटल से करवाते हो, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो आपके पास क्या बनता है?
एल्केन की फॉर्मेशन होती है। तो वुड रिएक्शन में क्या याद रखना है, एक तो ये याद रखना है कि रिएजेंट कौन सा यूज किया जा रहा है, ड्राई ईथर। किस चीज की फॉर्मेशन हो रही है, एल्केन की फॉर्मेशन हो रही है। और जब रिएक्शन होती है तो उसमें क्या यूज किया जाता है, सोडियम यूज किया जाता है। ठीक है जी, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं फिटिंग रिएक्शन की, तो उसमें क्या है तो ड्राई ईथर ही है भी सोडियम, लेकिन यहाँ पे क्या है, कोई एरोमेटिक कंपाउंड जो है वो यूज किया जाता है। ठीक है, तो एरोमेटिक रिंग वाला कंपाउंड जब सोडियम के साथ रिएक्ट होगा, और अगेन वो ड्राई ईथर में रिएक्शन हो रही है, लेकिन आपको एक एरोमेटिक प्रोडक्ट ही वहां पे देखने को मिल रहा है, तो उस चीज को आप क्या कहते हो, फिटिंग रिएक्शन। मतलब एराइल हैलाइड्स के साथ जो है वो यहाँ पे रिएक्शन देखने को मिलेगी, और वुड्स रिएक्शन में आपको एल्काइल हैलाइड के साथ देखने को मिलेगी, और यही दो डिफरेंस है। अब ये क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में वो पूछ सकते हैं। ठीक है, तो क्या याद रखना है, वुड्स रिएक्शन एल्काइल हैलाइड के साथ होती है, फिटिंग रिएक्शन जो है वो एराइल हैलाइड्स के साथ होती है। अब अगर मैं बात करूं फ्रैंकलाइन की, तो वो क्या है, सिमिलर है वुड्स रिएक्शन की तरह, बस फर्क इतना है कि यहाँ पे जो है वो जिंक के साथ रिएक्शन होती है। ठीक है, समझ में आएगी, वहां पे सोडियम के साथ थी, यहाँ पे भी एल्केन ही बन रहा है, लेकिन वहां पे सोडियम था और यहाँ पे क्या है, जिंक है। तो ये रिएक्शन जो है वो फ्रैंकलाइन रिएक्शन है। और फिंकलस्टीन की बात करूं, तो इसमें क्या होता है, कोई भी एल्काइल हैलाइड है उसकी हम रिएक्शन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, और आपके पास यहाँ पे भी जो है वो एक एल्केन की फॉर्मेशन होती है, बस रिएजेंट जो है वो डिफरेंट है यहाँ पे। ठीक है जी, समझ में आ गई इतनी सी बात। नेक्स्ट, द टर्म सॉर्प्शन स्टैंड्स फॉर, सो इजी क्वेश्चन। सरफेस केमिस्ट्री में ना दूसरी तीसरी डेफिनेशन ही यही है। सबसे पहले उन्होंने एब्जॉर्प्शन के बारे में बताया हुआ है, देन उन्होंने एड्सॉर्प्शन के बारे में बताया हुआ है, और थर्ड जो डेफिनेशन है वो सॉर्प्शन ही है। ठीक है, तो बताओ कि सॉर्प्शन में क्या होता है, सिर्फ एब्जॉर्प्शन या सिर्फ एड्सॉर्प्शन या बोथ एब्जॉर्प्शन और एड्सॉर्प्शन या फिर डिसॉर्प्शन। तो डायरेक्ट आंसर है, जिसको डेफिनेशन याद होगी ना वो डायरेक्ट इसका आंसर दे देगा। इसका आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज सॉर्प्शन स्टैंड्स फॉर इन विच बोथ द एब्जॉर्प्शन एंड एड्सॉर्प्शन टेक्स प्लेस इज नोन एज द सॉर्प्शन। ठीक है, इसको स्टडी करते हैं। अब ये देखिए, एब्जॉर्ब होने का मतलब क्या है, जैसे आप स्पंज देखते हो तो स्पंज में पानी क्या होता है, एब्जॉर्ब हो जाता है ना, तो उसको आप कहते हैं एब्जॉर्प्शन। द प्रोसेस बाय विच वन सब्सटेंस टेक्स अप अनदर सब्सटेंस थ्रू माइन्यूट पोर्स और स्पेसेस बिटवीन देम। ठीक है, इसमें क्या होता है, होल वॉल्यूम ऑफ मटेरियल जो है वो आपको देखने को मिलता है। जैसे ये देखिए, दिस इज फेज टू, दिस इज फेज वन, तो ये क्या है, एब्जॉर्प्शन है। ठीक है, दोनों में जो है वो मॉलिक्यूल्स जा रहे होते हैं, और एड्सॉर्प्शन में क्या होता है, जिसमें देयर इज एडहेजन ऑफ एटम्स आयंस और मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अ गैस लिक्विड और डिजोल्व सॉलिड टू सरफेस इन्वॉल्व्स अ सरफेस एरिया ऑफ मटेरियल। इसमें क्या होता है, इसमें चीजें मिक्स हो जाती हैं प्रॉपर। एड्सॉर्प्शन में क्या होता है, एक ही फेज में जो है वो चीजें रहेंगी, चाहे वो मॉलिक्यूल है चाहे वो आयन है, वो उसी चीज के ऊपर क्या रहेंगी, स्टिक रहेंगी। ठीक है, और ऐसे ही मैं आगे बात करूं सॉर्प्शन की, तो सॉर्प्शन वो फिनोमिना है जिसमें दोनों की दोनों चीजें होती हैं, मतलब कि आपकी एब्जॉर्प्शन भी हो रही है और क्या हो रही है, साथ में एड्सॉर्प्शन भी हो रही है। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं डिसॉर्प्शन की बात करूं, तो डिसॉर्प्शन में क्या है, जैसे आपने पहले क्या करवाई, एड्सॉर्प्शन करवाई, फिर उसमें क्या होगा, चीजें बनेगी, देन डिसॉर्प्शन हो जाएगी। अब यहाँ पे देखो, ये तो सॉलिड फेज, जिसे आप क्या कहते हो, एड्सॉर्बेंट। एड्सॉर्बेंट का मतलब क्या है, कि किस सरफेस के ऊपर चीजें एब्जॉर्ब हो रही है, दैट इज नोन एज द एड्सॉर्बेंट। ठीक, यहाँ पे एड्सॉर्प्शन हो रही है इस सरफेस के ऊपर, और जो वापिस चीजें जा रही हैं, मॉलिक्यूल्स ऊपर की तरफ जा रहे हैं, उसको आप क्या बोलोगे, डिसॉर्प्शन बोलोगे, जो कि लिक्विड फेज में होंगी। मतलब ये आपके पास एक एड्सॉर्बेंट है, उसका एक सरफेस है, उसके जो सॉलिड वाले पार्टिकल्स है वो एड्सॉर्प्शन शो करेंगे, क्योंकि ये वाले पार्टिकल्स क्या है, लिक्विड फेज में है, तो वो क्या शो करेंगे, आपके डिसॉर्प्शन को शो करेंगे। ठीक है जी, समझ में आ गई इतनी सी बात। नेक्स्ट, द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ प्लेटिनम NH3 2 Cl 2। तो सबसे पहले तो यहाँ पे पहला काम क्या है, कि आपको प्लेटिनम की, जो कि एक सेंट्रल मेटल एटम है, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट का पता होना जरूरी है। अब ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे, प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, उसको मान लिया X। अमोनिया क्या है, आपका एक न्यूट्रल लिगेंड है, तो उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, दैट इज वाई इट्स चार्ज इज टेकन एज 0। और आगे मैं बात करूं क्लोरीन की, तो एक क्लोरीन के ऊपर होता है -1, बिकॉज इट बिलोंग्स टू द ग्रुप 17 हैविंग द चार्ज -1, तो इसके ऊपर कितना चार्ज आ जाएगा, -2, क्योंकि 2 है, दैट इज इक्वल्स टू 0। सो एक्स इज इक्वल्स टू कितना आ गया आपका, +2। मतलब यहां से हमें एक चीज तो कंफर्म है, कि जब हम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकलेंगे, तो वहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी आपकी, +2 होगी। तो इसका नाम क्या है, अब नाम नेमिंग कैसे करते हैं हम, देखो
सबसे पहले हमने लिखने होते हैं लिगेंड्स के नेम। लिगेंड्स के नेम भी कैसे लिखने होते हैं, जो अल्फाबेटिकली क्या आ रहा होता है, पहले आ रहा होता है। तो यहाँ पे पहले क्या आ रहा है आपका, अमीन। तो क्या नाम बन जाएगा यहाँ पे, डाई अमीन डाई क्लोरो प्लेटिनम टू। ठीक है, क्योंकि अमीन का नाम पहले आ रहा है, ये ए से स्टार्ट है, ये सी से स्टार्ट है, इसलिए इसका नाम पहले आएगा। तो ये बन गया डाई अमीन डाई क्लोरो प्लेटिनम, और ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आई थी आपकी, टू आई थी। और ये क्वेश्चन कहाँ से आया है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से ये क्वेश्चन आया, और कितना इजी क्वेश्चन है। क्लियर है, समझ में आ गई इतनी सी बात। नेक्स्ट आइडेंटिफाई द कंपाउंड दैट हैज ऑल द थ्री टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, आयनिक भी है, कोवेलेंट भी है, और कोऑर्डिनेट भी है। आयनिक का मतलब क्या है, जो प्रॉपरली जो है एनायंस और कैटायंस में कन्वर्ट हो जाता है, या तो पॉजिटिव में देखने को मिलेगा या तो नेगेटिव में देखने को मिलेगा। अगर मैं कोवेलेंट की बात करूं तो वहां पे क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्डिंग में क्या होती है, शेयरिंग पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है। कोऑर्डिनेशन में क्या होता है, एक सेंट्रल मेटल एटम होता है और उसके साथ लिगेंड्स जो है वो कनेक्ट होते हैं। तो वो पूछ रहे हैं कि इसमें से वो कौन सा है, क्या वो अमोनिया है, क्या वो अमोनियम क्लोराइड है, या फिर वो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, या फिर वो कैल्शियम क्लोराइड है। तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन बी दैट इज अमोनियम क्लोराइड, क्योंकि ये NH4 पॉजिटिव Cl नेगेटिव में टूट भी जाता है, कोवेलेंट बॉन्डिंग भी शो करता है बाय द शेयरिंग पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में इसका बहुत ज्यादा यूज जो है वो देखने को मिलता है। ठीक है, समझ में आ गई इतनी सी बात। NH3 तो नहीं बनाएगा ना, बिकॉज NH3 हैव लोन पेयर, तो इसके लोन पेयर्स पंगा डाल देंगे, NaOH तो सिंपल ही बन जाता है। ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड क्या है आपका, आयोनिक है, ये कोऑर्डिनेशन शो नहीं कर सकता है। सो द राइट आंसर इज अमोनियम क्लोराइड। नेक्स्ट द IUPAC नेम ऑफ आइसोपेंटाइल एल्कोहोल, क्या नाम होगा आइसोपेंटाइल एल्कोहोल का। तो स्ट्रक्चर अब पता नहीं, मुझे नहीं पता कि आप में से कितने लोगों को इसका स्ट्रक्चर पता है, बट द क्वेश्चन इज वेरी वेरी इजी। अगर आपको इसका स्ट्रक्चर पता है तो आराम से आप इसकी क्या निकाल सकते हो, इसका IUPAC नेमिंग जो है वो कर सकते हो। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, दिस इज द स्ट्रक्चर आइसोपेंटाइल एल्कोहोल। तो क्या बन रहा है इसका, थ्री पे मिथाइल। अब देखो जहां पे फंक्शनल ग्रुप लगा होता है उसको हम देते हैं सबसे लोएस्ट पोजीशन, तो ये वन ये टू ये थ्री एंड ये फोर। तो इसका नाम क्या बन गया आपके पास, थ्री पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, मिथाइल। चार कार्बन है, ब्यूट एन सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन। फर्स्ट पे क्या लगा हुआ है, OH, दैट इज द एल्कोहोलिक ग्रुप। और जब आप इसकी नेमिंग करते हो तो आपके पास क्या लग जाता है, वहां पे O लग जाता है। ठीक है, तो क्या नाम आ गया इसका, थ्री मिथाइल ब्यूट एन वन ओ। सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखनी है, उसके बाद जब हमने नंबरिंग करनी है तो इस तरीके से नंबरिंग करनी है कि जो सब्स्टिट्यूएंट्स लगे होते हैं उनको लोएस्ट नंबर जाए। लेकिन जो फंक्शनल ग्रुप भी लगा हुआ है तो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो फंक्शनल ग्रुप को दी जाती है, दैट इज बाई इसकी नंबरिंग जो है वो इस साइड से की गई। थर्ड पोजिशन पे आपका मिथाइल आया तो उसका नाम पहले आएगा थ्री मिथाइल ब्यूट एन वन ओ। क्लियर। नेक्स्ट, Which one will have the highest boiling point? इसमें से किसका boiling point सबसे ज्यादा है? Methyl bromide, then आपका आ जाएगा CH2Br2, methyl chloride, CHBr3। तो इसका right answer क्या है? Option D, that is CHBr3 जो है उसका सबसे ज्यादा boiling point है। क्यों है? अब ये देख लीजिए। Boiling point जो है वो increase करता है with increasing molecular mass due to the greater magnitude of van der Waal forces of attraction. The boiling point of these compounds increase in the order. वो कह रहा है कि जैसे ही किसी भी कंपाउंड का मॉलिकुलर मास इंक्रीज होता जाएगा, कॉमन सेंस ही बात है, वहां पे उसका boiling point भी क्या होगा, ज्यादा होता जाएगा। क्योंकि अगर साइज बड़ा है, इतने सारे बल्क में चीजें आ गई हैं, तो वहां पे उसको बॉइल करने के लिए टाइम भी तो ज्यादा लगेगा। इसलिए यहाँ पे जो आपका सी क्या था आपका पीछे क्वेश्चन, सॉरी हाँ, CHBr3 का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, सबसे ज्यादा है। क्यों है? अब देखो यहाँ पे फर्स्ट था आपका CH3Cl, क्लोरोमीथेन था, उसमें क्या है, एक ही क्लोरीन लगा हुआ है। ठीक है, एक ही क्लोरीन लगा हुआ है। नेक्स्ट आपका ब्रोमोमीथेन, उसमें भी एक ही ब्रोमीन लगा हुआ है। क्लोरीन का साइज ब्रोमीन से छोटा है, इसलिए सबसे कम किसका होगा, क्लोरीन का होगा, फिर ब्रोमीन का होगा। अब इसमें क्या है, दो ब्रोमीन लगे हुए हैं तो उसका ज्यादा हो गया। यहाँ पे क्या है, तीन ब्रोमीन देखने को मिल रहे हैं, दैट इज वाई इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ज्यादा है। जितने ज्यादा बल्की ग्रुप्स लगेंगे उतना ही ज्यादा उसका क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। और इसका नाम क्या होता है आपके पास, ब्रोमोफोम, जिसे आप ट्राई ब्रोमोमिथेन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है जी,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमंग द फॉलोइंग द बॉन्ड दैट रिक्वायर्स हाईएस्ट एनर्जी टू ब्रेक, सबसे ज्यादा एनर्जी किस बॉन्ड को तोड़ने में लगती है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको बॉन्ड्स देखने को मिलते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या है आपके पास, ऑप्शन बी दैट इज सी एच बॉन्ड जो है उसको तोड़ने में बहुत ज्यादा एनर्जी का यूज होता है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बोरोन इन B2H6, सभी ने इसका स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं तो पढ़ा ही होगा। B2H6, जब भी हम ग्रुप 13 के एलिमेंट्स को स्टडी करते हैं वहां पे B2H6 के स्ट्रक्चर को जो है वो पक्का पढ़ाया जाता है। तो बताओ इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी दैट इज sp3 इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बोरोन इन B2H6। अब इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं, देखो दिस इज B2, H कितने थे, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो यहीं से हमें इसका पता चलता है इसके पास क्या होते हैं, पढ़ते हैं, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो रही है एंड इन द स्ट्रक्चर ऑफ डाइबोरेन आपके 4H एटम्स जो है जो लेफ्ट एंड 2 ऑन द राइट है उनको आप क्या कहते हो, टर्मिनल हाइड्रोजन कहते हो। ठीक है, डिफरेंट एनवायरमेंट में होते हैं, अदर 2 हाइड्रोजन एटम्स को हम क्या कहते हैं, इनको क्या कहते हैं, ब्रिजिंग एटम्स के नाम से जो है वो जाना जाता है। याद क्या रखना है आपने, किसकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी होती है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन जो है वो देखने को मिलती है जिसमें आपके 2 जो हाइड्रोजन एटम है वो एज अ ब्रिजिंग लिगेंड्स है और जो साइड वाले 4 हैं वो आपके क्या है, टर्मिनल हाइड्रोजन है। ठीक है जी, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन बी यूज्ड एज अ एंटी फ्रीज इन ऑटोमोबाइल रेडिएटर्स। अब गाड़ियों में आपने ऐसा कौन सा मटेरियल यूज करना है ताकि सर्दियों में क्या हो, पेट्रोल जम ना जाए, तो उसके लिए जो है एक कंपाउंड यूज किया जाता है। जो बेस्ट एग्जांपल है, जब हम सॉल्यूशन में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं वहां पे, जब हम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पढ़ते हैं वहां पे इसका जो एग्जाम्पल है वो बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। तो बताओ कि गाड़ियों के रेडिएटर्स में कौन सा एंटी फ्रीज मटेरियल जो है वो यूज किया जाता है, और आपके पास ऑप्शंस हैं मिथाइल अल्कोहल, ग्लाइकोल, नाइट्रोपिनोल या इथाइल अल्कोहल। तो इसका डायरेक्ट आंसर है ग्लाइकोल जो है वो यूज किया जाता है। ठीक है, ये देख लीजिए, इथाइलिन ग्लाइकोल उसका पूरा नाम है, जो एक ऐसा केमिकल कंपाउंड है जो बहुत सारे इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है एज अ एंटी फ्रीज मिक्सचर। 2 क्वेश्चन आते हैं पेपर में, एक तो एंटी फ्रीज पूछा जाता है वो कौन सा है, इथाइलिन ग्लाइकोल, और एक पूछा जाता है एंटी नोकिंग कंपाउंड जिसका नाम क्या है, टेट्रा इथाइल लेड, जो एज अ जब व्हीकल्स में बहुत ज्यादा आवाज आ रही होती है तो उस टाइम जो है वो मटेरियल डाला जाता है। ठीक है, सो इथाइलिन ग्लाइकोल हेल्प्स कीप योर कार्स इंजन फ्रॉम फ्रीजिंग इन द विंटर एंड एक्ट्स एज अ कूलेंट टू रिड्यूस ओवर हीटिंग इन समर। मतलब जब हम इथाइलिन ग्लाइकोल का यूज करते हैं तो वो सर्दियों में पेट्रोल को जमने नहीं देता है और गर्मियों में जो है वो आपके व्हीकल को ज्यादा हीट अप नहीं होने देता है। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, CH2OH CH2OH। ठीक है, द मेजर कंपोनेंट ऑफ परमानेंट एंटी फ्रीज इफेक्टिवली क्या है, डिप्रेस द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन एन ऑटोमोबाइल रेडिएटर। जैसे कि मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया कि कौन सी प्रॉपर्टी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के बेसिस पे जो है हम इसको यूज करते हैं। तो पेपर में क्वेश्चन जो है वो ये भी आ सकता है कि जो इथाइलिन ग्लाइकोल एज अ एंटी फ्रीज मिक्सचर हम यूज करते हैं गाड़ियों में वो किस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड करता है, तो वो कौन सा है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक, नेक्स्ट, एलम प्योरीफाइज मडी वाटर। एलम पता है ना सबको क्या होता है, फिटकरी जिसे आप कहते हैं, प्लस 2 में सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल यही करवाया जाता था। ठीक है, घरों में भी आपने एलम्स का यूज देखा होगा। तो वो कहता है कि वो मडी वाटर को, एलम प्योरीफाई करता है मडी वाटर को, कीचड़ वाले पानी को, किस मेथड से, डायलिसिस से, एब्जॉर्प्शन से, कोगुलेशन से, या नन ऑफ दीज। देखो डायलिसिस तो नहीं आएगी, पहली बात माइंड में जो स्ट्राइक हो रही है कि डायलिसिस तो नहीं आएगी। डायलिसिस कब की जाती है, जब हमने किडनी की जो है वो साफ सफाई करनी होती है, जिन लोगों को डायबिटीज होती है उनकी डायलिसिस जो है वो करी जाती है। अब्सॉर्प्शन भी नहीं आएगा क्योंकि फिटकरी अब्सॉर्ब नहीं कर सकती उसको। सो इसका राइट आंसर क्या है आपके पास, कोगुलेशन जो है वो इसका राइट आंसर है। ठीक है, अब ये देखिए आपके पास जो है वो पहले मडी वाटर आ गया। ठीक है, फिल्टर द विजिबल पॉल्यूटेंट्स, उसमें से उसको पहले फिल्टर कर लो, जो चीजें पहले बाहर हो सकती है उनको बाहर कर लिया। फिर आपने उसमें क्या डाल दिया, फिटकरी डाल दी। ठीक है, डीकेन द ओवरलाइंग वाटर, जो ऊपर ऊपर पानी आ गया फिटकरी की वजह से, क्या हुआ कि साफ पानी नीचे हो गया, गंदा वाला पानी ऊपर हो गया, तो उसको क्या कर दो, निकाल दो। ठीक है, लीव हाफ लीटर ऑफ वाटर विद द सेडिमेंट, उसको निकाल लिया जो नीचे वाला पानी था, उसको बॉइल किया, कूल एंड स्टोर द वाटर।
तो यू कैन से दैट कि कोगुलेशन करके जो है वो हम इसका यूज करते हैं. एलम हेल्प्स इन प्योरिफाइंग द वाटर बाय विच कोगुलेशन कोगुलेट्स द मड पार्टिकल्स. ठीक है, Al3 पॉजिटिव जो है वो कोगुलेशन का काम जो है वो यहाँ पे करते हैं. ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ इंटरेक्शन ऑफ फिनोल विद सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज. ये भी एक पर्टिकुलर रिएक्शन है और एनसीईआरटी में ही ये रिएक्शन दी गई है, तो ज्यादा टफ वाला काम नहीं था, एक सिंपल सी रिएक्शन थी. तो इसका आंसर क्या है, आपके पास ऑप्शन सी दैट इज सैलिसिलिक एसिड जो है वो यहाँ पे बनता है. और ये रही इसकी रिएक्शन जिसमें आप फिनोल की रिएक्शन करवाते हो किसके साथ, NaOH के साथ और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ H पॉजिटिव की प्रेजेंस में. तो होता क्या है, ये वाली चीज जो है यहाँ से H जो है वो यहाँ पे आके अटैच हो जाता है, इसलिए ये क्या बन जाता है, सैलिसिलिक एसिड की फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे देखने को मिलती है. ठीक है, तो याद रखना है जब भी फिनोल की रिएक्शन करवा रहे हो NaOH के साथ और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो किस चीज की फॉर्मेशन आपके पास देखने को मिलेगी, सैलिसिलिक एसिड जो है वो देखने को मिलेगा. ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, द IUPAC नेम ऑफ द गिवन कंपाउंड इज. अब बताओ इसका IUPAC नेम क्या होगा. तो इसका राइट आंसर क्या है आपके पास, ऑप्शन सी दैट इज 2-hydroxy-4-oxo-pentanol. क्योंकि यहाँ पे नेमिंग कैसे की गई है, 1, 2, 3, 4 एंड 5. ठीक है, क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप था एल्डिहाइड जो है, तो इसलिए इसको फर्स्ट प्रायोरिटी दी गई. जब इसकी नंबरिंग करी गई तो सेकंड पोजीशन पे क्या आ रहा है, हाइड्रोक्सी. फोर पे क्या आ रहा है आपका, ऑक्सो. कितने कार्बन है, 5 कार्बन है और सारे के सारे क्या है, सिंगल बॉन्ड है. दैट इज वाई वो क्या बन गया आपका, 2-hydroxy-4-oxo-pentanol. डायरेक्ट क्वेश्चन था, IUPAC नेमिंग के ऊपर था. फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देनी थी, फंक्शनल ग्रुप को. फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे क्या था, CHO जो है, एल्डिहाइड जो है वो यहाँ पे मेन फंक्शनल ग्रुप जो है वो देखने को मिलता है. ठीक, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल एल्ड 2,2-dibromopropane. इसमें से जो है वो 2,2-dibromopropane जो है वो कौन बनाएगा. तो राइट आंसर आपके पास क्या है, ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पे राइट आंसर जो है वो देखने को मिलेगा. ठीक है जी, ठीक है. तो ये क्वेश्चन जो है वो आपके 2022 टेट पेपर जुलाई में जो है वो पूछे गए थे, जिसमें हमने केमिस्ट्री के जो है वो सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे करके देखे. ठीक, तो आपने क्या एनालिस किया होगा कि आपको मेनली जो है वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी क्वेश्चन है तो IUPAC नेमिंग तो पक्का करके ही जानी है, क्योंकि वहां से डेफिनेटली 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे. ठीक है, और उसके बाद क्या है, आपके डायरेक्ट रिएक्शन पूछी गई थी, जैसे देखो वुड्स रिएक्शन डायरेक्ट थी, फिटिंग थी, फ्रैंकलाइन थी, फिंकलस्टीन थी. ठीक है, फिर फिनोल और NaOH की डायरेक्ट रिएक्शन थी, वो भी एक नेमिंग रिएक्शन ही है, वन ऑफ द टाइप. तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो आपके जो है वो पूछे जाते हैं. ठीक है, समझ में आ गई इतनी सी बात. तो ऐसे ही हम नेक्स्ट सेशन में और क्वेश्चंस जो है वो मैं आपको करवाऊंगी, और अगर आपको टेट की प्रिपरेशन करनी है तो इसके लिए जो है अभी बहुत अप्रोप्रिएट टाइम है, क्योंकि आपको पता है कि पेपर आ रहा है. तो हमारे हिमाचल सिविल स्टैप ने जो है इसके लिए कोर्स लॉन्च किया है, जिसका बैच जो है वो फर्स्ट ऑफ अप्रैल से जो है वो स्टार्ट हो रहा है, 1 अप्रैल 2023 से. तो आप उसमें भी जो है वो आपको एनरोल करवा सकते हो खुद को, क्योंकि यहाँ पे हर सब्जेक्ट को जो है वो डिफरेंट डिफरेंट वे से पढ़ाया जाएगा, जिसमें आपको नोट्स प्रॉपरली प्रोवाइड किए जाएंगे, आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाएंगे, और हर एक टॉपिक जो है वो अच्छे से करवाया जाएगा. ठीक है, थैंक यू सो मच, अपनी प्रिपरेशन करते रहिए. ओके, थैंक यू सो मच.